गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड जय हिंद एवरीवन, वेलकम एट जीके राजस्थान यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जो मैं डिस्कस करूंगा मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे मिसलेनियस की स्पेलिंग पूछूं और आप देखिए नहीं, तो बताइए, लिख करके बताइए मिसलेनियस की स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी बताइए फटाफट। मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं, अक्सर इसी की स्पेलिंग पूछ लेता है। देखिए कैसे याद करेंगे, एम आई एस मिस याद हो गया, सेल सी ई डबल एल मिस सेल एनियस ए एन ई ओ यू एस, देखिए याद हो जाएगा आपको, मिस देखिए सेल ए एन ई ओ यू एस। एक बार और देख लेते हैं, मिस इतना तो बच्चे याद ही हो जाएगा, मिस सेल, अब देखिए ए एन ई ओ यू एस, इतने तरीके से जब वर्ड आप तोड़ देंगे तो वर्ड आपको याद हो गया, मिसलेनियस, मिसलेनियस राइट, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज की इस वीडियोस में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ऑलराइट। तो पहले आप कोशिश करेंगे फिर मैं बताऊंगा आपको। बताइए क्वेश्चन है, माय फ्रेंड ऑफन एज इफ ही वर प्रेसिडेंट, बताइए माय फ्रेंड, हां काल्पनिक है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो माय फ्रेंड बताइए क्या होगा, तो क्या होगा बताइए, माय फ्रेंड बिहेव्स, मेरा मित्र ऐसा व्यवहार करता है, माय फ्रेंड बिहेव्स क्या एज इफ ही वर प्रेसिडेंट, और ये तो ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि राष्ट्रपति हो, ठीक है, कहते नहीं वो ऐसा बात करता है जैसे कि गवर्नर हो, वो ऐसा बोलता है जैसे कि कोई राजा हो, ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ही ऑफन फॉर फिशिंग, बताइए इसमें क्या होगा, एकदम सिंपल है और आप बता भी लेंगे, जल्दी बताइए फटाफट, हरी अप प्लीज, हरी अप, ओके। तो जाहिर सी बात है ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर का मतलब होता है कि डेली रूटीन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डेली रूटीन की बात हो रही है। अब जब डेली रूटीन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, जब डेली रूटीन की बात हो रही है इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ही ऑफन goes for fishing, बोलिए, जैसे he often goes for swimming, he often goes for dancing, he often goes for playing, अगर आप दो चार बार बोल के प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी आगे चल के, ठीक, लेट्स गो अहेड, ओके। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, बताइए क्या होगा भैया, देखिए as he not there I spoke to his sister, जब मैं वहां गया तो वो नहीं था तो मैंने उसके सिस्टर से बोल दिया, तो क्या होगा, सही बताइए आप, राइट ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े हैं तो आप आंसर वास्तव में सही दे पाएंगे। तो क्या होगा, एज ही वॉज, अगर हमने यहां पे वॉज रख दिया तो एज ही वॉज नॉट देयर है ना, हा स्पोक टू हिज सिस्टर, मैंने उसके सिस्टर से बोल दिया, कह दिया, इज इट क्लियर नाउ, ओके, ऑलराइट। सो गाइस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए इसमें क्या होगा, सिंस वी लेट वी वर नॉट परमिटेड, सिंस वी, गेस करिए क्या होगा, ओके कीप ऑन ट्राई ट्राई ट्राई, मेक एन एफर्ट, आंसर सही हो जाएगा। तो क्या होगा, सिंस वी वर लेट, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, वी वर लेट वी वर नॉट परमिटेड, हम लोग पर देर थे इसलिए हम लोग परमिटेड नहीं हुए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ओके इफ ही आई शैल हेल्प हिम, कंडीशन है अगर वो आता तो मैं मदद किया होता, ना आया ना मैंने मदद किया, बताइए क्या होगा, गुड वन, इफ ही केम, बताइए क्या होगा, इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, राइट, इफ ही कम्स
I shall help him. अगर वह आता तो मैं मदद करता उसकी, न आया न मैंने मदद किया. Right? Okay, let's go ahead. अगला क्वेश्चन है, he will come if you, है ना, वो आएगा कब, जब आप उसकी निमंत्रण देंगे. बताइए क्या होगा. If you invite him, if you invite him, वो आएगा यदि आप उसे निमंत्रण देंगे. Alright, एकदम सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, लगते बहुत सिंपल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देते हैं. एग्जाम के समय हम उसे मिस कर जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, नहीं कर पाते हैं. आई योर प्रॉब्लम, अब इसमें बताइए क्या होगा. आई अंडरस्टैंड होगा, आई अंडरस्टैंड्स होगा. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा. यू ट्राई, ओके गुड. तो क्या होगा, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. आप इसको बोल के भी प्रैक्टिस कर लीजिए. सर आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, सर यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. ठीक, शी अंडरस्टैंड्स हर प्रॉब्लम. ओके, इस तरीके से बोल के जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो गलतियां होंगी ही नहीं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप बताइए क्या होगा. आई द न्यूज लास्ट नाइट, एकदम सिंपल है. आई न्यूज द लास्ट नाइट, क्या होगा. आई हर्ड द न्यूज लास्ट नाइट, सिंपल एकदम. आई हर्ड द न्यूज लास्ट नाइट, I heard the latest news last night. You heard the news last night. All heard the news last night. Okay. All right, let's go ahead. Okay, guys. अगला क्वेश्चन क्या होगा आप बताएं. Okay. I'm looking forward. ये देखिए very very important question है. I'm looking forward. यहाँ dash है. You, I'm looking forward. बताइए क्या होगा. थोड़ा सा tough question है. ओके, keep on. क्या होगा. I'm looking forward to seeing you. 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 दो तीन बार बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो गया है ना. अगला क्वेश्चन है, अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है. He is a teacher. क्या होगा बच्चे, बताओ जल्दी कहिए. What will be the right answer? अक्सर हम लोग बोलते भी हैं. Alright, तो क्या हो जाए. He is a retired teacher, right? My uncle is a retired teacher, right? My auntie is a retired principal. अक्सर हम लोग बोलते हैं he is retired, my father is retired, his uncle is retired, everyone is retired. Okay? Okay. अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा. गीता 100 times every day. गीता, आप स्किपिंग जानते हैं ना बच्चे, ऐसे ऐसे स्किपिंग करते हैं, रस्सी होती है, ऐसे ऐसे बार बार स्किप करते हैं, शायद आप जानते होंगे. बताइए जानते हैं, मैसेज करिए, कमेंट करिए. यस सर आई नो, एंड इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ व्हेन यू स्किप मेनी टाइम्स. ओके, ऑलराइट. गीता स्किप्स many times. Gita skips many times. I skip every day many times. She skips, he skips, Radha skips, Sita skips. बोल डालिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक. Alright. Question number 12 है, बताइए क्या होगा. I know that 20 on last birthday. I know that you. क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट. Hurry up. Good. I know that you were. Hello? Yeah, I got it. 20 on your last birthday. Hello, everyone. I knew that you were 20 on your last birthday. Good one. All right. Next one. Agla question kya hai? All right. He sitting beside a river.
बताइए इसमें क्या होगा, अप्रोप्रिएट आंसर बताइए. आई थिंक यू कैन टेल द राइट आंसर. व्हाट विल बी द राइट आंसर, प्लीज टेल मी. ओके, बताइए क्या होगा. ऑल राइट, वेरी गुड. ही वॉज फाउंड, क्या होगा बच्चों, ही वॉज फाउंड, क्या होगा, ही वॉज फाउंड. ओके, so he was found sitting beside the river. I was found sitting beside the river. My father was found sitting beside canal, na nehar. Okay, agla question hai. There are three girls in the car. Bataiye, ab thoda sa isme space kam hai. I'm sorry, aap samajh jaiyega, option bharna hai, space yahi hai aapka, theek hai. To kya ho jayega, There are three girls. There are four girls. There are five girls. कुछ भी कह लो आप. Okay. In the car. समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो प्लीज पास योर वैल्यूएबल कमेंट. हाँ सर, समझ में आ गया. आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए. एंड प्लीज पास योर वैल्यूएबल कमेंट्स. ओके, ऑल राइट. सो गाइज, ओके, अ पेयर ऑफ सीजर, देखिए बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ पेयर ऑफ सीजर्स क्या होगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क, क्या होगा आंसर. अ पेयर ऑफ सीजर इज नेसेसरी, क्या होगा बच्चे, इज नेसेसरी, ठीक है, क्या होगा बेटा, इज नेसेसरी, is necessary, understood? समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो बोल दिए yes, yes sir, क्योंकि a pair, a pair की बात है. जैसे a pair of shoes is bought, a pair of trousers is bought, a pair of spectacles is bought, okay? क्योंकि एक pair की बात हो रही है, एक जोड़े की बात हो रही है. अब देखिए इसमें आपको भरना है प्यार से प्रीपोजिशन. क्या भरना है भैया, प्रीपोजिशन. देखिए यहां पे स्पेस है. कीप क्लियर विकेट पर्सन, क्या होगा बेटा बता दो. ट्राई. गुड एफर्ट. सही आंसर को टाइप करके मैसेज करिए, मैं सारे आंसर आपका देखता रहता हूं, ठीक है. ओके, क्या होगा बेटे, कीप क्लियर ऑफ विकेड पर्सन. बोलो बेटे, कीप क्लियर ऑफ विकेड बॉयज, कीप क्लियर ऑफ विकेड बॉयज, कीप क्लियर ऑफ विकेड बॉयज. याद हो गया, गुड वन. ओके बेटे, अगला क्वेश्चन तरफ लोग बढ़ते हैं. हाँ बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिए. ही वैनिश्ड, अब यहां पे बेटे डैश डैश करके है, द डार्कनेस. ही वैनिश्ड डैश डैश करके डार्कनेस, बता दो बेटे क्या होगा. हर्री अप, डार्कनेस में कोई गायब हो गया, जल्दी कमेंट करिए फटाक से, राइट आंसर दीजिए, जल्दी करिए फटाफट. क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा. हेलो, ओके, इन टू डार्कनेस. देखिए अब पता चला एकदम घना है, घना है ना, एकदम घना है. कोई आदमी आया, इसी में गायब हो गया. कभी कभी क्या, अंधेरे में कोई आदमी चला जाता है, एकदम गायब हो जाता है, उसी में प्रवेश कर जाता है, ठीक है. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या होगा भैया, एकदम इसको सारे बच्चे, ही इज जूनियर मी इन सर्विस. जूनियर के साथ क्या होता है, सारे बच्चे बता दो भैया. जूनियर के साथ क्या लगता है, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, फिर इनफीरियर के साथ, प्रेफर के साथ, एंटेरियर के साथ, पोस्टेरियर के साथ, एक्सटेरियर के साथ, बता दो बेटे क्या लगता है, जल्दी बता दो, कमेंट करो, मैं आंसर देख रहा हूं. पास योर कमेंट. ओके, गुड वन, वेरी गुड, वेरी गुड. इनफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, राइट, प्रेफर टू, इन सबके साथ टू लगता है, क्लियर. ओके, अच्छा बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो फटाक से. हिज पॉलिसी इज बेस्ड, बेटे यहां डैश डैश करके है, तो बताइए क्या होगा. हिज पॉलिसी इज बेस्ड जस्टिस, जस्टिस क्या होगा बेटा आंसर, कमेंट करो जल्दी से फटाक से.
eight, now, on, over, far. क्या होगा बेटे? जल्दी बताइए फटाक से. Based on. अब बोल के देख लीजिए, his policy is based on justice. बोलो बेटे, his policy is based on justice. His policy is based on justice. Okay? All right. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. There is no cure. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बताओ बेटे क्या होगा? There is no cure. Cancer. There is no cure cancer. There is no cure for cancer. बोलो बेटे. There is no cure for cancer. There is no cure for cancer. There is no cure for cancer. मेरे साथ बोलो बेटे, जल्दी जल्दी बोलो. Very good. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. I am fond of. सारा बच्चा बता लेगा. बोलो बेटे, मैसेज करो जल्दी से फटाक से. क्या हो? I am fond reading. I am fond reading. क्या होगा? मैसेज करिए, वेट कर रहा हूं. ओके, वेरी गुड, नाइस आंसर. Fond of. I am fond of reading. I am fond of reading. Hello, आप क्या हो? बोलो. सर, I am fond of dancing. I am fond of running. I am fond of playing. I am fond of playing badminton. आप किस चीज को फॉन्ड करते हो बेटा? आंसर करके भेजो, कमेंट करके भेजो. I am fond of reading. I am fond of jumping. I am fond of dancing. बेटे क्या करते हो आप? जल्दी बता दो फटाक से. ओके, ऑल राइट. चलो बेटा अगला क्वेश्चन बता दो. बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डोंट जियर डिफीटेड एनिमी. अब जियर मींस क्या होता है बेटे? जियर, मॉक, लाफ, इन सबके साथ क्या लगता है बेटे? बहुत महत्वपूर्ण है, देख लो जल्दी से. जियर के साथ एट, सबका मीनिंग क्या होगा? मॉक एट, लाफ एट. हेलो एवरीवन, डोंट जियर एट मी. बोलो बेटे, डोंट जियर एट मी. डोंट, हेलो एवरीवन, डोंट मॉक एट मी. डोंट मॉक एट हर. डोंट मॉक एट देम. हेलो, डोंट लाफ एट द बेगर. डोंट लाफ एट मी. Don't laugh at her. Don't laugh at anyone. याद हो गया होगा? Hello. बोल के प्रैक्टिस करिए. अच्छा, बोल के प्रैक्टिस करके बताइए कि सर प्रैक्टिस कर लिया. याद बोली सर, jeer at. बोलो बेटे, don't jeer at poor. Don't mock at poor. Don't laugh at poor. बोलो बेटे मेरे साथ प्रैक्टिस करो. Don't jeer at. Don't laugh at. Don't mock at. अब बताओ बेटे, क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे. जल्दी बोलिए आंसर, कमेंट करके भेजिए जल्दी जल्दी. यस सर, अब गलती नहीं होगा. लिखिए जियर एट, मॉक एट, लाफ एट. जियर एट, मॉक एट, लाफ एट. जियर एट, मॉक एट, लाफ एट. याद हो गया. चलो बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. स्पीच डिस्टिंग्विशेस मैन द एनिमल. डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंग्विशेस. अरे एकदम सरल है, एकदम. डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम एनिमल, है ना? स्पीच डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल. स्पीच से ही पता चलता है मैन है या एनिमल है, राइट? स्पीच डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल. डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल. डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल. एनिमल, एनिमल, एनिमल. याद हो गया? ठीक है बेटे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दिस बुक कंसिस्ट. बोलो बेटे क्या होगा? दिस बुक कंसिस्ट. जल्दी बोलो. दिस बुक कंसिस्ट क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ. Consist of. My house consists of 5 rooms. आप बताओ बेटे, लिखो my house consists of 10 rooms. My house, her house consists of 2 rooms. My uncle's house consists of 3 rooms, 4 rooms. जो भी है. अगला क्वेश्चन है बेटे, everyone longs. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हर इंसान शांति चाहता है लेकिन मिलता नहीं है. बोलो मिलता है? नहीं. ठीक है, everyone longs for peace. बोलो बेटे, everyone longs for peace. Everyone longs for money, right? अभी सर longs for money. अभी सर longs for peace. Everyone longs for peace, but nobody cares. Okay, because man proposes, God disposes. अब बता बेटे,
आई एम स्लो एट अकाउंट, क्या होगा? आई एम स्लो एट मैथमेटिक्स, आई एम स्लो एट ड्राइविंग, यू आर स्लो एट ड्राइविंग, आई थिंक याद हो गया होगा. ओके, अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा बेटे. वी शुड एम, एम के साथ क्या होगा? वी शुड, सर हाउ, यस वी शुड एम एट, वी शुड एम एट एक्सलेंस. आई शुड एम एट एक्सलेंस, ही शुड एम एट एक्सलेंस, हाउ शुड एम एट एक्सलेंट. नाउ गाइज राइट डाउन द आंसर प्लीज. आई एम एट एक्सलेंट. ओके ओके नाउ नेक्स्ट वन. ओहो वेल 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 वेल. नाउ द काउ लिप्स. गाय माता किस पर निर्भर रहती हैं? बताइए जल्दी करिए. द काउ लिप्स ऑन ग्रास, क्या होगा बेटे? द काउ लिप्स ऑन ग्रास, बोलो मेरे साथ. द काउ लिप्स ऑन ग्रास, द काउ लिप्स ऑन ग्रास. वी लिव ऑन राइस, शी लिव्स ऑन राइस, He lives on banana, you live on fruit. जब किसी भोजन पे हम निर्भर होते हैं तो हाँ अन का प्रयोग होता है. ठीक है, ओके, ऑल राइट. अगला क्वेश्चन है, He was excluded, उसको निकाल दिया गया, excluded from the team. He was, Mohan was excluded from the team, Shohan was excluded from the team, I was excluded from the team, she was excluded from team. कुछ भी बोल दो भैया, याद हो जाएगा. Okay, last question of the day. I am badly, guys, I am badly need. अब बताओ बेटे, आप लोग बता दो फिर मैं बताऊंगा. Last question means very, very, very important question. भाई जल्दी करिए, please comment. Pass your comment. I'm watching your comment seriously. Okay? All right. Okay, I am in... क्या होगा भाई? I am in badly need of... I am badly in need of... Badly in need of money. I am badly in need of money. I'm badly in need of money. Need of, need of, need of, need of, need of, need of money. So guys, I think I have completed 30 questions. Okay guys, now in 30 questions, you have to tell ki you have touched 20 right, 10 wrong. If 25 right, miss 5 wrong, miss 27 right, it means 3 wrong. You have to tell me the exact data. So guys, pass your comment that how many questions you touched. कितने क्वेश्चन आपके सही हुए. सो गाइज प्लीज पास योर वैल्यूएबल कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल. ऑलराइट गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड डे ऑल, टेक केयर ऑल, थैंक यू.